हेलो, क्लाउड कंप्यूटिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी के बारे में। अब जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हो, किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हो, तो आपके पास सबसे पहले उसके बारे में कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं और सिक्योरिटी उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो दिमाग में आती है। अब चाहे आप डेटा स्टोरेज की बात कर रहे हो या फिर कोई एप्लीकेशन को यूज़ करने की बात कर रहे हो जो कि क्लाउड के ऊपर होस्टेड है, आपके दिमाग में यही आता है कि क्या वो चीज़ सिक्योर है, क्या वो एप्लीकेशन को यूज़ करना सिक्योर है, क्या मैं अपने डेटा को क्लाउड के ऊपर स्टोर कर सकता हूँ बिना किसी सिक्योरिटी की परवाह किए। तो उसी सब चीज़ को हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी। अब देखो, होता क्या है कि सपोज़ ये क्लाउड है हमारे पास और एक ये यूज़र है, यूज़र वन। अब इस यूज़र को कुछ स्टोर करना था, लेटेस्ट से इसको एक फ़ाइल स्टोर करनी, इसमें लिखा हुआ ABC। अब इस फाइल को इस यूज़र ने यहाँ पे स्टोर कर दिया और अगर इस फाइल के अंदर ABC सीधा दिख रहा है तो क्या वो एडमिन जो इस क्लाउड को मैनेज कर रहा है वो इसको नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, द डेटा इन क्लाउड शुड बी स्टोर्ड इन इनक्रिप्टेड फॉर्म, कि जो डेटा है क्लाउड के अंदर वो किसी इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर स्टोर होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर कोई उसको गलत तरह से एक्सेस करने की कोशिश भी करे तो उसको वो इजीली पढ़ ना पाए। सो दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी। अब बात आती है कि कैसे हम सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं या जो क्लाउड है उसका सिक्योरिटी का मॉडल क्या है, बाउंड्रीज़ क्या हैं। अब बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, देखो डिफरेंट टाइप के यूज़र्स हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है बेसिक लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, उसके बाद होता है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड फाइनली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब इन सब के ऊपर डिफरेंट यूज़र्स काम करते हैं। लेट अस से यूज़र U1 यहाँ पे काम करता है, U2 यहाँ पे काम करता है, U3 यहाँ पे काम करता है। तो जनरली जो क्लाउड सिक्योरिटी मॉडल है वो क्या कहता है कि यहाँ पे हमारे कुछ बाउंड्रीज होंगी, जैसे कि एक बाउंड्री ये है कि यूज़र U1 सिर्फ इसी को एक्सेस कर सकता है, एक बाउंड्री हमारी यहाँ पे होगी, यूज़र U2 सिर्फ इसको एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे यूज़र U3 सिर्फ इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो इस तरह से हम क्या करते हैं कि डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जो यूज़र्स हैं उसको एक बाउंड्री की फॉर्म में हम डिवाइड कर देते हैं। और ये जो बाउंड्रीज होती हैं हर सर्विस मॉडल के बीच में, ये बताती हैं कि डिफरेंट सर्विस मॉडल्स किस तरह से काम करते हैं और ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। सो एक सिंपल सा देख लेते हैं सिक्योरिटी बाउंड्री मॉडल क्लाउड का। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो है हमारे पास IaaS, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो यहाँ पे मैंने रेड कलर के पेन से मार्क किया हुआ है। तो आप कह सकते हो दैट दिस इज़ अ बाउंड्री ऑफ IaaS सिक्योरिटी। सो दिस इज़ IaaS सिक्योरिटी बाउंड्री, ठीक है। अब IaaS के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे इसकी कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड होती हैं, देर आर हार्डवेयर्स जो IaaS के अंदर यूज़र्स को दिए जाते हैं, देन देर कैन बी ए कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड देर आर वेरियस APIs एंड कोर कंटेंट डिलीवरी मेथड्स। सो दिस इज़ नॉट सच इम्पॉर्टेंट थिंग कि IaaS के अंदर कौन कौन से आप कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हो, कौन कौन से कंपोनेंट्स के बारे में आप बता रहे हो। बेसिक पर्पस क्या है कि IaaS की बाउंड्री यहाँ तक है, मतलब जो यूज़र यहाँ पे काम कर रहा है या जो सर्विसेज आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो इसके बाहर की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाएगी, डेट इज़ IaaS सिक्योरिटी बाउंड्री। देन इसके बाद आती है बात प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की। तो ये जो मैंने ग्रीन पेन से मार्क किया है वो है PaaS सिक्योरिटी बाउंड्री। सो मैं यहाँ पे सिंपल PaaS SB लिख रहा हूँ, SB का मतलब है सिक्योरिटी बाउंड्री। अब इसके अंदर क्या होता है, जनरली प्लेटफॉर्म में हम इंटीग्रेशन और मिडलवेयर का काम करते हैं। सो इंटीग्रेशन एंड मिडलवेयर जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, बट द कॉन्सेप्ट इज दैट दिस इज़ अ बाउंड्री हेयर। देन लास्ट में आती है बात, वो होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बारे में। तो जो मैंने यहाँ पे पिंक रंग के पेन से मार्क किया हुआ है दैट इज SAAS सिक्योरिटी बाउंड्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि डेटा आपके पास हो सकता है, मेटा डेटा होता है, सो दैट इज़ नॉट मच ऑफ डिटेल की आपको ज़रूरत नहीं इतनी डिटेल के बारे में कि इसके अंदर क्या हो सकता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी उसको कर सकते हो। जैसे कुछ एप्लीकेशंस होती हैं हमारे पास यहाँ पे,
देन वी हैव अदर पीपीटी या प्रेजेंटेशन का कोई सॉफ्टवेयर है, या फिर हमारे पास कोई सर्वर है. सो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो ये सिक्योरिटी बाउंड्रीज हैं, IAAS, PAAS एंड SAAS. सो दीज आर द सिक्योरिटी बाउंड्रीज इन क्लाउड. अब देखते हैं कि कौन कौन से की मैकेनिज्म्स हैं जिनसे हम डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो मैं सिर्फ आपको नाम बताता हूँ, आपने उन सब के बारे में पहले पढ़ रखा होगा जब आपने कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी देखा होगा. सो सबसे पहले होता है इसमें एक्सेस कंट्रोल. अब एक्सेस कंट्रोल क्या है कि किस डेटा का एक्सेस कितने यूज़र्स को है, जिसको एक्सेस होगा सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकते हैं. ऑडिटिंग, ऑडिटिंग बेसिकली क्या है कि हम लॉग मेंटेन करते हैं. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉग्स आर मेंटेन्ड. अब लॉग्स मेंटेन का मतलब क्या है कि कौन से डेटा को किसने एक्सेस किया, कब एक्सेस किया, कहाँ से एक्सेस किया, उन सब के लॉग्स हम मेंटेन करते हैं. तो एक तरह से हम डेटा को प्रोटेक्ट करने में इसको यूज़ कर सकते हैं. देन थर्ड एंड फोर्थ आर वेरी कॉमन, दैट इज़ ऑथेंटिकेशन, कि आप एक्सेस करने से पहले उसको ऑथेंटिकेट कीजिए यूज़र को. एंड ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि क्या वो यूज़र उस डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज है. सो दीज आर द फोर डिफरेंट की मैकेनिज्म्स फॉर प्रोटेक्टिंग द डेटा. सो नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रोकर्ड क्लाउड स्टोरेज एक्सेस. अब क्योंकि देखो डेटा जो होता है क्लाउड में वो कहीं से भी कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें क्लाइंट के डायरेक्ट एक्सेस को आइसोलेट करना है. इसका मतलब क्या हुआ, लेट अस से एक क्लाउड है मेरे पास, सो क्लाइंट U1, U2, तो मुझे जो इसका एक्सेस है और इसका एक्सेस है इसको आइसोलेट करना है. मतलब U1 को नहीं पता होना चाहिए कि U2 क्या कर रहा है, ऐसे U2 को नहीं पता होना चाहिए कि U1 क्या कर रहा है. सो दीज टू एक्सेस शुड बी आइसोलेटेड, या आप लिख सकते हो आइसोलेटेड एक्सेस. और इस काम को करने में जो हेल्प करता है उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ब्रोकर्ड क्लाउड स्टोरेज एक्सेस. नाउ इट इज़ यूज्ड टू आइसोलेट द स्टोरेज इन क्लाउड, जो क्लाउड की स्टोरेज है उसको ये आइसोलेट करते हैं. ठीक है, सो इन दिस देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज विच आर यूज्ड. वन इज ब्रोकर विद फुल एक्सेस टू स्टोरेज, या आप लिख सकते हो ब्रोकर विद फुल स्टोरेज एक्सेस. ठीक है, सो ब्रोकर के पास स्टोरेज का एक्सेस होता है बट नो एक्सेस टू क्लाइंट. क्लाइंट के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, किसके पास है एक्सेस, ब्रोकर के पास है. देन द सेकेंड टाइप ऑफ सर्विस इज अ प्रॉक्सी सर्विस. सो प्रॉक्सी सर्विस क्या कहता है, नो एक्सेस टू स्टोरेज. सो नो एक्सेस टू स्टोरेज बट एक्सेस टू बोथ क्लाइंट एंड ब्रोकर, बट एक्सेस टू क्लाइंट एंड ब्रोकर. सो ये दो डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज हैं जो ब्रोकर स्टोरेज एक्सेस के अंदर काम में आती हैं. सो अब एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये ब्रोकर्ड क्लाउड स्टोरेज एक्सेस काम करता है. सो नाउ लेट अस सी कि कैसे काम करता है. तो ये जो ब्रोकर्ड क्लाउड स्टोरेज एक्सेस सिस्टम है इसमें बेसिकली फोर डिफरेंट पार्टीज काम करती हैं. सो दे आर, सबसे पहले तो क्लाइंट होता है, उसके बाद एक प्रॉक्सी होती है. हम डायरेक्ट फुल एक्सेस वाला नहीं देख रहे, हम प्रॉक्सी वाला देखते हैं. देन वी हैव अ ब्रोकर, एंड फाइनली इन सब को जो करता है वो है क्लाउड स्टोरेज. मतलब कि क्लाउड स्टोरेज के लिए ही हम इन सब पार्टीज का यूज़ कर रहे हैं. सो क्लाउड स्टोरेज, अब देखो काम होता कैसे. सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे है क्लाइंट. सो इधर हम बना देते हैं, एक क्लाइंट है हमारे पास. देन वी हैव प्रॉक्सी. प्रॉक्सी वो है जिसके थ्रू रिक्वेस्ट क्लाइंट से नीचे ब्रोकर और फाइनली क्लाउड तक पास होगी. देन वी हैव अ ब्रोकर. एंड फाइनली वी हैव द क्लाउड स्टोरेज.
सो नाउ लेट अस सी कैसे काम करता है। सिंपल है, देखो जब क्लाइंट को अगर कुछ रिक्वेस्ट होती है तो क्लाइंट क्या करता है, सबसे पहला स्टेप है क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर डेटा। क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर डेटा, क्लाइंट किसी डेटा की रिक्वेस्ट करता है। अब वो जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी प्रॉक्सी के पास सबसे पहली बात। देन प्रॉक्सी क्या करेगा, प्रॉक्सी विल चेक फॉर वेरियस सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स, जैसे कि वो कुछ रूल्स को अप्लाई करेगा कि देखेगा कि जो रिक्वेस्ट है वो सही क्लाइंट से आई है या नहीं आई है। सो इस तरह के कुछ रूल्स को वो अप्लाई करेगा। देन इफ़ द रूल्स आर करेक्ट और द रिक्वेस्ट इज़ करेक्ट, इट विल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द ब्रोकर। देन द ब्रोकर विल रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम क्लाउड। इसके बाद क्या होगा कि क्लाउड से डेटा को रिक्वेस्ट करेगा ब्रोकर। अगर ब्रोकर ने जो क्लाउड से रिक्वेस्ट की है देन डेट इज़ करेक्ट, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रिक्वेस्ट वापस जाएगी ब्रोकर के पास क्लाउड से। इसमें होगा रिप्लाई विद डेटा, यहाँ से जाएगी वापस प्रॉक्सी के पास। सो डेटा का रिले होगा, रिले मतलब डेटा एक तरह से एक जगह से दूसरे के पास हो रहा है। एंड फाइनली डेटा किसके पास पहुंच जाएगा, क्लाइंट के पास। सो रिस्पॉन्स टू क्लाइंट। तो इस तरह से जो होता है ये ब्रोकर्ड क्लाउड स्टोरेज एक्सेस काम करता है। सो बेसिकली अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं तो उन डिफरेंट क्लाइंट्स का जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, प्रॉक्सी से। सो लेट अस से हमारे पास क्लाइंट C1 है, क्लाइंट C2 है। तो ये क्लाइंट C1 क्या कर रहा है, प्रॉक्सी को रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भी प्रॉक्सी को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो एक तरह से इनको ये नहीं पता कि जो क्लाउड स्टोरेज है वहाँ पर हमारा डेटा किस तरह से रखा हुआ है। सो दैट मीन्स द डेटा इज आइसोलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉक्सी एंड ब्रोकर। So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.